नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइडिया और वोडाफोन का विलय बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही देश की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इनका उभार होगा। वोडाफोन बोर्ड ने सोमवार को विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। विलय के बाद बनने वाली कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला होंगे, जो कि वोडाफोन इसमें CFO नियुक्त करेगी। हालांकि इस क्षेत्र के जानकार इस विलय को जियो की चुनौती से जोड़कर देख रहे हैं। आइडिया सेलुलर ने सोमवार को वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी। आइडिया सेलुलर निदेशक मंडल की सोमवार को यहां हुई बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। प्रस्तावित विलय संबंधित प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ेगा। इसके लिए सेबी, दूरसंचार विभाग और रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी होगी। नियामक को भेजी गई जानकारी के मुताबिक कंपनियों के एकीकरण के बाद VIL के इंडस टावर्स लिमिटेड में किए गए निवेश को छोड़कर VIL और VMSL का पूरा कारोबार, इसकी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क संपत्ति और सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सभी नई कंपनी के तहत आ जाएगी। वोडाफोन इंडिया का कुल कारोबार 5,025 करोड़ रुपए और VMSL का 40,378 करोड़ रुपए है। आइडिया सेलुलर का कारोबार 36,000 करोड़ रुपए है, जबकि VIL की नेटवर्थ 12,855 करोड़ रुपए, VMSL की 3,737 करोड़ रुपए और आइडिया सेलुलर की 24,296 करोड़ रुपए है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2016 के अंत में दूरसंचार बाजार में वोडाफोन की बाजार हिस्सेदारी 20.46 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के साथ 18.16% थी, जबकि आइडिया की 19.05 करोड़ ग्राहकों के साथ 16.9% हिस्सेदारी है। इस समय 26.58 करोड़ ग्राहक संख्या के साथ एयरटेल की मोबाइल दूरसंचार बाजार में 23.58% की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। आईडिया और वोडाफोन के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि विलय के बाद बनने वाली एकीकृत कंपनी पर शेयरधारक समझौते के मुताबिक वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह का संयुक्त नियंत्रण होगा। इसमें कहा गया है कि एकीकृत कंपनी में विलय प्रक्रिया पूरी होने के साथ आदित्य बिड़ला समूह को 39,900 करोड़ रुपए में 4.9% हिस्सेदारी के हस्तांतरण के बाद वोडाफोन की 45.1% हिस्सेदारी होगी। आइडिया की एकीकृत कंपनी में 26% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारक के पास होगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। GST व्यवस्था को लागू करने में सहायक 4 विधेयकों के प्रारूप को मंत्रिमंडल की मंजूरी। योगी आदित्यनाथ के प्रवेश से पूर्व मुख्यमंत्री आवास का दूध से शुद्धिकरण। अमेरिका ने भारत को बताया नहीं किया H-1B वीजा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव। मणिपुर में भाजपा की एन बीरेन सिंह सरकार ने जीता विश्वास मत। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के कैथोलिक पादरी पर चाकू से हमला। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।